हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी दो स्टूडेंट हैं, इन्होंने आज अपना पार्टी मेकअप किया है और इन लोगों की आज प्रैक्टिस चल रही है। सबसे पहले इन्होंने CTM किया है। CTM करने के बाद इन्होंने आई शेडो यूज किया है, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा शेड है। और इसके बाद इन्होंने एक गोल्डन कलर का शिमर अप्लाई किया है और आप भी कर सकते हैं। ये आप एक ईजी आई मेकअप है और आप मेरी वीडियो अच्छे तरह से देखेंगे तो आपको ये वीडियो पूरी तरह से आपका एक नॉर्मल मेकअप आप कर सकते हैं मेरे वीडियो देख के। और सबसे पहले इन्होंने CTM किया। CTM करने के बाद इन्होंने आई मेकअप किया। आई मेकअप करने के बाद इन्होंने लाइनर अप्लाई कर रही हैं और आपको भी ऐसे ही अप्लाई करना है। पूरे सॉफ्ट हैंड से लाइनर लगाते टाइम आपको पूरा ध्यान से देखना है कि आपको कैसे लाइनर लगाना है। और आपको थोड़ी सी भी गैपिंग दिखे उसको फिलअप कर देना है, क्योंकि उसको फिलअप करने से आपका ये जो लाइनर दिखेगा वो इन्हेंस होके दिखेगा। इन्होंने फर्स्ट आई पे लगा दिया है, अब ये देख लीजिए आप सेकंड आई मेकअप पर, सेकंड पे इन्होंने लाइनर यूज किया है और कितने अच्छे से इन्होंने लाइनर अप्लाई किया है। ऐसे ही आपको भी अपने फेस पर जब भी मेकअप कीजिए आपको भी ऐसे ही लाइनर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने बेस यूज किया है। इन्होंने बेस की यूज किया है, आप कोई भी बेस यूज कीजिए या फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं। बस बेस है तो बेस यूज कीजिए, नहीं तो आप फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इन्होंने ब्लेंडिंग कर रही है। वैसे आपको भी कोई फाउंडेशन लगाइए या बेस तो आपको भी अच्छे प्रॉपर तरीके से आपको भी ब्लेंडिंग करना है, क्योंकि वैसे ब्लेंडिंग करने से आपका बेस फ्लॉने दिखता है और बहुत सॉफ्ट दिखता है। और जैसे भी आप कोई भी बेस लगाए या फाउंडेशन आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करना है, वो भी अपने हल्के हाथों से, क्योंकि उससे आपके पूरे फेस में वो फाउंडेशन एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आपका जो भी फेस दिखेगा वो अच्छा दिखेगा, विदाउट बिना क्रेकी नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छा होगा तो आपको क्रेकी नहीं दिखेगा। और देख सकते हैं इन्होंने कितने अच्छे से कम क्वांटिटी में इन्होंने फाउंडेशन बेस लिया है। वैसे आपको भी कम क्वांटिटी में आपको फाउंडेशन लेना है, वैसे ही आपको फेस पे भी अप्लाई करना है। पूरे फेस पे अच्छे तरीके से आपको ब्लेंडिंग करना है। आप देख सकते हैं इन्होंने कितने अच्छे से ब्लेंडिंग किया है, वैसे आपको भी ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग करते टाइम आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी आपका जो भी बेस बनेगा वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए आपको ध्यान से आपको पहले फाउंडेशन यूज कीजिए, यूज करने के बाद आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करना है प्रॉपर तरीके से। और बीच बीच में इन्होंने थोड़ी सी कॉमेडी भी किया है और आप देख सकते हैं उन्होंने एक तरफ का इन्होंने फेस का अच्छे से किया है ब्लेंडिंग, और ये सेकेंड पार्ट पे भी इन्होंने अच्छे से ब्लेंडिंग किया है। इसके बाद इन्होंने पाउडर अप्लाई किया है। आपको भी अपने फेस पे पाउडर अप्लाई करना है, कम क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं। जब आपकी थोड़ी सी स्वेटिंग आ रही है तो थोड़ी सी ज़्यादा पाउडर लॉक कर सकते हैं। और आप भी ऐसे